नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज के शो में पे बात करेंगे फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड कैसे मिलेगा, कैसे यहाँ पे इजिली आपको मिलेगा, प्री अप्रूव मिलना चाहिए या मतलब जैसे भी आपको यहाँ पे चाहिए वो आसानी से कैसे मिलेगा, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो सुनना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए, ज़्यादातर लोगों का यही टारगेट रहता है कि हमें यहाँ पे फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड है जो विदाउट अकाउंट या प्री अप्रूव या अप्लाई करने पे आसानी से मिल जाए। तो कैसे ये मिलेगा, फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपका यहाँ पे 18 प्लस एज है तो आसानी से मिल जाएगा, ये भी है, लेकिन मिलेगा कैसे, डाउट्स बहुत होते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनका यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ है सब नहीं रहता है, तो करे क्या? वैसे तो देखिए, अब हर बैंक है, कोई भी बैंक आप यहाँ पे देख लीजिए, विदाउट इनकम प्रूफ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, विदाउट इनकम प्रूफ, विदाउट वेरिफिकेशन, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो आसानी से इस समय यहाँ पे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है। बहुत से बैंक है ऐसे जो यहाँ पे वेरिफिकेशन करती है तो ऑफिस वेरिफिकेशन ही करती है, तो वो सब बैंकों के बारे में तो मैं नहीं आपको बताऊंगा। जो इजिली यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा है फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड विदाउट इनकम प्रूफ है सबके बेस पे, तो कैसे मिलेगा वो आपको वहाँ पे बताऊंगा। अगर अप्लाई करना रहेगा तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए, कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, बहुत पहले भी यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया है, ज़्यादातर वीडियो में यहाँ पे बताया भी है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए अगर आपको फर्स्ट अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपके पास देखिए या तो लोन वगैरह रहना चाहिए, सिविल यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। आपका सिविल स्कोर यहाँ पे सबसे ज़रूरी यहाँ पे रहता है, जो क्रेडिट स्कोर है उसके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए। लोन तो आपको इजीली प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे लेटर हो गया, पर्सनल लोन हो गया, थोड़े बहुत यहाँ पे अमाउंट से आपको मिल जाएंगे। वो भी अगर आप यहाँ पे लेते हैं, लेटर वगैरह रहते हैं, थोड़ा बहुत भी अमाउंट मिलता है तो उससे क्या होता है, आपका एक सिविल जनरेट हो जाता है, ठीक है, वो भी अच्छा है। या तो फिर यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे मतलब क्रेडिट इंक्वायरी यहाँ पे है, मतलब क्रेडिट स्कोर जो है वो यहाँ पे बढ़ाने के लिए और अपने यहाँ पे मतलब कि क्रेडिट स्कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे माना जाता है कि एक एफडी कार्ड ले ले। एफडी कार्ड लेने का सबसे बड़ा यहाँ पे बेनिफिट ये होता है कि आपके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो रिपोर्ट है उसमें एक क्रेडिट कार्ड शो हो जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे यूज करने के लिए भी मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड, और 6 महीना मिनिमम आपको यहाँ पे 6 महीना यूज करना है। 6 महीना यूज करने के बाद आप यहाँ पे दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको विदाउट इनकम प्रूफ मिलेगा। इससे बेनिफिट सबसे बड़ा ये कि आपका यहाँ पे जो सिविल स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और आपके यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है विदाउट इनकम प्रूफ या क्रेडिट कार्ड अप्रूवल के लिए कि आपके यहाँ पे सिविल रिपोर्ट में क्रेडिट कार्ड शो होता है, वही सबसे बड़ा मायने रखता है। अब देखिए, हाईएस्ट मतलब यहाँ पे ज़्यादातर अप्रूवल है और ज़्यादातर अप्लाई यहाँ पे किया जाता है वन कार्ड अगर आप यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, 2000 की एफडी के साथ आपको मिल जाएगा। इसमें सबसे अच्छा यहाँ पे सिविल स्कोर यहाँ पे जो है आपका इंक्रेस होगा, और इसके मतलब ज़्यादातर यहाँ पे चांसेस है जिसके पास यहाँ पे एक कार्ड रहता है उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 महीना या 8 महीना यूज करते हैं तो आसानी से कार्ड मिलने के चांसेस रहते हैं अनसिक्योर। पहले तो आपको यहाँ पे फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड यहाँ पे लेने के लिए तो यही करना पड़ेगा, एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे मिनिमम 6 महीना यूज करिए, ठीक है। यूज करने के बाद देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे HDFC अकाउंट है, HDFC में अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे देखिए प्री अप्रूव मिलने के चांसेस बन जाते हैं। प्री अप्रूव आप यहाँ पे कुछ दिन वेट करेंगे तो प्री अप्रूव मिलेंगे, अगर नहीं मिल रहा है प्री अप्रूव तो थोड़ा दिन और रुके आप यहाँ पे अप्लाई भी करेंगे तो आपको वहाँ पे मिलने के चांसेस रहते हैं, उसमें मिल जाएंगे। दूसरा बैंक यहाँ पे देखिए HDFC का, आप यहाँ पे नॉर्मली क्रेडिट कार्ड जो यहाँ पे एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड रहता है वो अप्लाई करें, जैसे कि यहाँ पे HDFC का कोई भी एक क्रेडिट कार्ड एंट्री लेवल का ही अप्लाई करें, कोई भी मतलब बैंक का अगर आप यहाँ पे फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड अप्लाई करने जाते हैं तो एंट्री लेवल का ही यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो उससे क्या अप्रूवल के चांसेस यहाँ पे हाई रहते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए अप्रूवल यहाँ पे मतलब जो कार्ड यहाँ पे ज़्यादातर अप्रूवल देती है SBI का क्रेडिट कार्ड, ठीक है। SBI का आप यहाँ पे सिंपली क्लिक, सिंपली सेव, ये सब क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड में, ठीक है। फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड प्रोवाइड कर देगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे पहले से ही क्रेडिट कार्ड है, या तो अगर इससे नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, लेकिन ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। या तो फिर आप यहाँ पे स्प्रिंट रहें जिसकी वेबसाइट आपको दे दूंगा, SBI की वेबसाइट से आप जाके डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वहाँ से भी आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट प्लस यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेस तो आप यहाँ पे कर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास यहाँ पे कार्ड नहीं रहेगा, तो ये सब के बेस पे भी आपको मिल जाएगा, विदाउट इनकम प्रूफ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें, ये दो बैंक यहाँ पे ऐसे है जो ज़्यादातर प्रोवाइड करती हैं आपको आप फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो ये
एक्सिस बैंक प्रोवाइड कर देगी, लेकिन चांसेस जितना आपको यहाँ पे ये सब यहाँ पे दोनों में देखेगा उतना अदर में देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ बात आपको बता दूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, ठीक है, सबका यहाँ पे ये रहता है कि भाई फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड मिलें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी रहता है कि हाइएस्ट लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड करे, तो एक गलती कर देते हैं जिसके कारण उनको यहाँ पे लिमिट कम मिलता है। लिमिट कैसे कम मिलता है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, एक एमडी कार्ड मेरा यहाँ पे पहला, तो यहाँ पे फर्स्ट अनसिक्योर यहाँ पे सिक्योर कार्ड मेरा यहाँ पे यही हो गया, एमडी क्रेडिट कार्ड, ये आप यहाँ पे सिक्योर समझें अनसिक्योर समझें, लेकिन पहला क्रेडिट कार्ड तो यही हो गया, ठीक है। अब देखिए ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि ये कार्ड यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे जितना उनके पास अमाउंट होता है, जैसे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 इतना अमाउंट रहता है, तो उसका एफडी कर लेते हैं, ठीक है, एफडी करके ये कार्ड ले लिए, ये कार्ड ले तो लिए, सही किए, अच्छा किए, सब सही है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो गलती की, मतलब अगर आप यहाँ पे लिमिट लेना चाहते हैं, हाईएस्ट लिमिट अगर आपको अनसिक्योर कार्ड में चाहिए पहला, तो कम से कम एफडी अगर आप करते हैं कम से कम 2,000 का करिए या 5,000 का करिए, या तो फिर आप करते हैं तो 80,000 के ऊपर का करिए, ठीक है, तभी जाके आपको आप ये हाईएस्ट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिलेगा अनसिक्योर, जब भी फर्स्ट अप्लाई होगा। नहीं तो अगर आप यहाँ पे 80,000 के अंदर करते हैं, जैसे कि मतलब 40,000, 10,000, 20,000 ऐसे पे करते हैं, तो आपको फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड में यहाँ पे चांसेस है कि 10 से 15,000 का ही लिमिट यहाँ पे मिले, मतलब जितना आप यहाँ पे कार्ड में करे रहेंगे उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा का लिमिट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये चांसेस रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी आप यहाँ पे करिए तो 80,000 करिए, या तो फिर यहाँ पे 2 या 5,000 का ही एफडी करिए, ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे लिमिट यहाँ पे अनसिक्योर में जो फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड है उसमें कम मिलेगा, और एक कार्ड में यहाँ पे कम लिमिट मिलेगा, तो आपको आगे चल के यहाँ पे ज़्यादातर कार्डों में यहाँ पे सेम लिमिट मिलने के चांसेस रहते हैं, या थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क रहता है ऊपर नीचे का, बाकी सब में यहाँ पे सेम ही लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अगर आपको भी ऐसे ही मिला है सेम लिमिट के साथ यहाँ पे फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड मिलने के बाद यहाँ पे सब सेम लिमिट मिला है, तो जरूर इनबॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए प्रोसेस था कैसे आपको मिल सकता है फर्स्ट अनसिक्योर कार्ड, और कैसे आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे कितना लिमिट यहाँ पे मिलेगा, सब कुछ मैंने एक एक करके बताया। अगर आप एफडी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं वन कार्ड का, तो लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हैं, 100% लिमिट के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करता है, 2,000 की मिनिमम एफडी करके आप इस कार्ड को ले सकते हैं, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ये दिया जाता है, ठीक है। एक अनसिक्योर कार्ड, सिक्योर कार्ड यहाँ पे मतलब मिलेगा, लेकिन आपको चांसेस बन जाते हैं कि आपको अनसिक्योर कार्ड जो भी है अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो वाओ क्रेडिट कार्ड है जो IDFC प्रोवाइड करता है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का, और ज़्यादातर मैं खुद यहाँ पे देखा हूँ अप्लाई कर फैमिली मेम्बर में, जिनका भी मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे वन कार्ड, उसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि वन कार्ड यहाँ पे बेटर पड़ेगा अदर क्रेडिट कार्ड के मुकाबले, बाकी आपके ऊपर है, अगर आप यूज करते हैं, आप यहाँ पे पहले से ही आपको मिला है ये वन कार्ड के बेस पे यहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पूरा प्रोसेस मैंने बताया, कुछ भी डाउट्स आता है, कुछ भी पूछना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही साथ हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं शुरू में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।